गाइस वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास है ग्लैम 21 का मेकअप फिक्स स्प्रे। इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसकी प्राइस क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगी। अगर कोई भी छूट जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करें। तो गाइज मेरे पास है ग्लैम 21 का मेकअप फिक्स स्प्रे है। इसमें इसकी जो पैकेजिंग है वो ट्रांसपेरेंट में है। पीछे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, डायरेक्शन दे रखे हैं, इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं, हाउ टू यूज़ दे रखा है, कितने डिग्री सेल्सियस में इसको प्रोटेक्ट स्टोर करके रखना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके पीछे दे रखी है। काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी एंड वाइट इसका जो बॉक्स है वो वाइट कलर का है, ट्रांसपेरेंट है, तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रही है आइज़ में। तो मैं आपको उसको पढ़ के बताती हूँ। और इसके ऊपर में लिखा है स्मूथ एंड मॉइस्चराइजर मिस्ट है, सेटिंग स्प्रे है। इसकी जो फिनिशिंग है वो एकदम मैट फिनिशिंग देती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें दिया है ये ग्लैम 21 प्रोफेशनल मेकअप सेटिंग स्प्रे है एंड लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये लॉन्ग लास्टिंग पॉलिश्ड मैट प्रोवाइड करता है। एंड ऑल्सो जो इसकी फिनिशिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड और इसमें दे रखा है आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड रखेगा एंड टेक्सचर और टोन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेगा। और इसमें इंग्रेडिएंट दे रखा है वाटर PEG-6 और भी इसमें ग्लाइसराइड दे रखा है। एंड आप इसमें देख लीजिए क्या क्या दे रखा है ये। एंड डायरेक्शन में दे रखा है, शेक होल्ड 8 to 10 इंचेस अवे फ्रॉम द फेस। फेस से लगभग 8 to 10 इंचेस के दूरी पे आप इसको अपने फेस पे स्प्रे करें। अबाउट 2 to 4 टाइम्स एक्स सेक्शन में, अपने फेस के एक्स सेक्शन में इसको स्प्रे करिए या फिर टी मोशन में स्प्रे करिए। एंड इसका जो है लाइट वेट है, ऑयल फ्री है, ये स्प्रे जो है लॉक करता है टोटल मेकअप को। एंड मैंने इसको यूज़ किया है, ये काफ़ी अच्छा स्प्रे है और हाँ लॉक करता है। जैसे आप इंग्रेडिएंट में दे रखे हैं सेम ऐसे ही आपके फेस पे असर करेगा। ये सच में एकदम लॉकेबल है, आपके मेकअप को अच्छे से लॉक कर देगा। एंड बस इसमें दिया है नेचुरली है रब, इसको आप जब पूरा मेकअप अच्छे से फिट कर लेते हैं पूरी तरह से, तब आप इसको लगाइए। पूरा मेकअप होने के बाद आप इसको लगाइए एंड उसके बाद आपका मेकअप थोड़ी देर तक, जब तक वो सूख नहीं जाता क्योंकि ये थोड़ा वाटरी है, उसके बाद जब सूख जाएगा उसके, या फिर अपने फ़ैन से सुखा लीजिए, फ़ैन को ऑन कर दीजिए या फिर अपने हाथ से किसी भी तरह, या थोड़ी देर छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही सूख जाएगा। उसके बाद आपका मेकअप जो होगा फिट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रब वब नहीं करेंगे तो काफ़ी टाइम तक वो चलेगा। एंड इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। इसका जो बॉटल है वो एकदम सा परफ्यूम की बॉटल की तरह है, पॉकेट फ्रेंडली तो नहीं कह सकते इसको क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर इसका छोटा पैक भी होता तो हमारे लिए और भी ज़्यादा इजी होता है इसको लेने में। एंड इसमें दिया है इस सूदिंग एंड मॉइस्चर मिस्ट, ये तो बाहर ही लिखा था। एंड पीछे भी इंग्रेडिएंट दे रखा है। इसका जो अमाउंट है वो 100 ml का अमाउंट है। इसका MRP है 299। मैंने इसको मार्केट से लिया था 250 में, एंड मेड इन PRC लिखा हुआ है। इसको मैं आपको ओपन कर देती हूँ। ये नॉर्मल से बॉटल में आता है, प्लास्टिक के बॉटल में 250। मैंने इसको ऑनलाइन में दिया था, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एक ही बार अपने प्राइस को उस प्रोडक्ट की प्राइस को बताया था, तो शायद लोगों को अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैं दो बार बता रही हूँ, आपको क्लियर हो जाए ये चीज़। तो ये रहा इसका जो मैं आपको इसका लिक्विड दिखाती हूँ। ये नॉर्मल स्प्रे करने पे इतना सा लिक्विड आता है, 8 to 10 इंचेस दूर से स्प्रे करने आपके फेस पे, मेकअप पे इसको स्प्रे करिए। एंड ये देखिए ये थोड़ा वाटरी सा, अगर एक्सेस अमाउंट में लग जाएगा तो ये बहेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका पूरा मेकअप लेके बह जाएगा, नहीं, एकदम नॉर्मली इसका वाटर जो एक्सेस वाटर होगा वो अपने आप ही नीचे आ जाएगा, या फिर अपने नैपकिन से उसको थोड़ा सा टैप करके पोंछ दीजिएगा, वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो
आशा है कि मैंने आपको इस मेकअप फिक्सर के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी हो। वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम भी ग्रो कर पाएँ और ऐसे ही नई नई वीडियोज़ की कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।